हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये अपनी मेजा थार में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे भाई इसका कैमरा सा नहीं चल रहा, प्लस इसकी डोरी भी लटक गई। यहाँ पे आप देखोगे डोरी लटक रही है, प्लस इसमें से आवाज़ आ रही है भाई चू 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 किसी, पता नहीं कैसे। तो मैंने आपको टायर का इशू दिखाया था, तो अभी अपने पास मैं फरीदाबाद में था, थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा चलो हमारे साथ एक दादा आदमी है इसके साथ चलते हैं, क्या पता इसको देख के थोड़ा सा ठीक ठाक कर दे। नहीं वैसे महेंद्र वाले करते ही नहीं है, बिल्कुल करवाएंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। चैन चान तो हमने पहन रखी है, पक्का हो जाएगा ना। अरे भाई तो वैसे क्योंकि नीचे से जब इसको ऑफ रोडिंग में चलाते हैं ना तो ये गड़गड़ गड़गड़ करती है भाई। अच्छा, तो ये अच्छी बात है ये, आप बताओ आपकी किया ऐसे करेगी तो आपको पसंद आएगा भाई। वो किया का तो बनता है, चलो ऑफ रोडिंग नहीं है तो ऑफ रोडिंग है भाई। बिल्कुल नहीं, आपने चाबी वहाँ पे रख दी, इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं है। ये गलतियाँ होती है जब आप ऐसे टॉप ब्रांड ले लेते हो, फिर आप ऐसे देसी गाड़ियों में बैठते हो तो वो ढूंढते हैं पुश स्टार्ट बटन कहाँ है। तो अभी हम फरीदाबाद में चलते हैं भाई, यहाँ पे पास में ही है इसका शोरूम। तो अभी देखना, मैं आपको रिवर्स कैमरा लगा के दिखाऊंगा। तो हम पिछली बार जब सर्विस करवाने गए थे तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था महिंद्रा के साथ। बस एक और दिक्कत पता है क्या है भाई इसमें, इसकी ये बत्ती हटती नहीं, इसमें कितनी हवा भरवा लो। देखो शॉल करूंगा 30 PS सही है, दोनों टायर में कम है, इसमें तो चल कम है, मैंने कर ली भरवाई, लेकिन बत्ती जब इसमें 40-40 भी होगी ना तब भी नहीं हटती। तो रीसेट कैसे करते हैं वो भी नहीं पता भाई मेरे को। अब आप चलो प्राइम ऑटोमोबाइल्स, पहले मैं यूनाइटेड में गया था पिछली बार फरीदाबाद में, वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस बार हम जा रहे हैं। एक मिनट आप रिवर्स कैमरा लगा के दिखा दो कि वहाँ पे नीला नीला सा आ रहा है यार, और जबकि मैंने महिंद्रा से ही लगवाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि महिंद्रा में ही दिखाएंगे, वरना तो हम आप तो मार्केट दिखाते ना। यहाँ पे जैसे रिवर्स लगाएंगे तो देखो भाई नीली नीली स्क्रीन आ रही है, तो ये भी अपने को दिखानी पड़ेगी। चलो अभी तो हमारा तो भाई कैमरा ही खराब हुआ, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है ना मेजर कोई, तो आप boodmotor.com से मंगवा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाइए, अपनी गाड़ी की डिटेल भर दीजिए, सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। बस अपना जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो ऐसे ऑर्डर कर देना, आपके घर पे बंदा देके जाएगा। तो आगे से किसी भी स्पेयर पार्ट के लिए boodmotor.com पे ही जाना। चलो महिंद्रा शोरूम पहुंच जाते हैं फटाफट। ये देखो वर्कशॉप में अभी भी महिंद्रा का पुराना लोगो है, नया ये वाला बदल गया जब आप उसकी बात करते हो शोरूम। यहाँ लिया है भाई अपनी थार को, यहाँ तो सरकारी सा काम है एकदम, कोई कहीं डुलाता है कोई कहीं, यहाँ से यहाँ जाओ यहाँ से यहाँ। ये देखो इसका तार ये लटक रहा भाई, कोई कहीं जाओ कोई कहीं जाओ, बस एस टी वाले सेक्शन में आए हैं। अब देखो ये कौन ठीक करेगा। तो जल्दी जल्दी कैसे कर सकती है भाई, वायर तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई वायरिंग का। और ये महंगा भी तो कितना 4500-5000 रुपये का तो डालते हैं, ऐसा भी नहीं कोई सस्ता कैमरा हो। मतलब महिंद्रा से इसीलिए तो डलवाया कि कल को कोई दिक्कत होगी तो महिंद्रा में जाके चेंज करवा लो। आप लोग बोलते हो कि भाई वहीं पे जाओ, अगर कुछ माइनर इशू हो तो आप यहीं पे चेक कर लो, हम भी संतुष्ट हैं। माइनर इशू तो मैं बता रहा हूँ ना हमारा, चलो तो भाई बता देंगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे कई काम है पता चल जाता है कि ये स्कोर क्या अभी भी फ्री है क्या पुरानी वाली? अभी भाई 25-26 गाड़ी आई है। अरे भाई स्कोर तो मार्केट में बहुत हुआ है, लोग अब भी ले रहे हैं इसको, अभी भी तो मिल नहीं रही बड़े भाई, गाड़ी मिल नहीं रही अब भी वेटिंग पे है हमारे यहाँ डेली। अभी इस टाइम स्कॉर्पियो खड़ी है, इतनी जा रही हैं 26 गाड़ी एक साथ खड़ी है, और लोग आप यहीं से सेल्सी लगाते हैं, 8-10 गाड़ी चली गई है यहीं से सेल्सी लगवाते हैं। मान लो आपके भाई जेपी नहीं डलती है, ये पूरी पीछे तक जा रही है। अच्छा ये वायर डल गई, ये स्लिप के अंदर है, पूरी वायर पीछे तक जा रही है, और ये है कहीं वायर में, मतलब यहाँ से ओके है, वहीं से कोई दिक्कत हुई है, बीच में भी कट सकती है, कहीं से ब्रेक हुई हो कुछ। देखो सर वायरिंग का ऐसा कुछ नहीं है, वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऐसा नहीं कह सकते कभी भी हो, इसकी वारंटी होती, वारंटी में आपका हो जाएगा, ये तो नहीं है वायरिंग। बिल्कुल भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी है खिंच गई होगी है, कहीं से भी ब्रेक हो सकती है या खिंच गई हो। और अब मतलब यार ना तो टायर को करके दे दो, उसमें से आवाज आती है तो बोल रहे हैं कल लाना क्योंकि अब 5 बज गए, टायर में से आवाज आती है इसमें चू 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 की सी समस्या है यार थार के साथ, कोई बात नहीं करते इनके बारे में, पर दिक्कतें तो हैं। और इस गाड़ी में भाई कैमरा बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बैग लेते हैं स्पेयर टायर वैसे इसके अंदर तो आइडिया लग ही नहीं पाता, कुछ दिखता ही नहीं इसमें से, तो कुछ दिखता ही नहीं है पीएसी देख लो या तो खोल के कि कहाँ पे टूटी हुई कहाँ पे है, या तो वैसे जॉइंट लग जाए तो वायरिंग निकालनी पड़ेगी, या वैसे मैंने देखो आगे आपका पूरा सिस्टम खोल के पीछे आपको चेक करा देता हूँ एक बार, पीछे देख लो यार कि आप तो जॉइंट होके चल जाए अपना कैमरा, या नहीं होता ये जॉइंट यार टेप टाप मार के हो जाए सिस्टम, वो वाला सिस्टम नहीं रहता है फर्जी सिस्टम भाई। ने तो खोल ठीक है, देखो आप लगा के चाबी दिए, मैं लगा के देखता हूँ।
कैमरा नहीं आ रहा, वो नीली नीली सी आ रही है ना भैया, अभी लाइट नहीं आई उसमें, मतलब अभी कैमरा ऑन नहीं हुआ है, लाइट लाइट आ रही है, ब्लू स्क्रीन आ रही है ना, ब्लू स्क्रीन आ रही है। और भाई आपको टीपीएमएस वगैरह का भी पता है क्या उसकी, भाई हवा कितनी भरवा लो वो बत्ती नहीं जाती उसमें से, उसका किसके पास जाना पड़ेगा यहाँ पे भाई, वहाँ पहले तो रिसेप्शन पे जाओ, वो बोलता है वहाँ जो एसबीआई में होता है ना वहाँ पे जाओ, उस काउंटर नंबर पे जाओ। भाई कैमरा चेंज कर दिया आपने? अगर सेम रहते जिसका एक बार किसी में 35 किसी में 40 है तब तो नहीं जलती, जब 30 से कम गई ना तभी जलती है केवल, तो टायर प्रेशर कम है 32 की तो इसमें होना ही चाहिए, देखो टायर प्रेशर कितना दिखता है। अगर देखो मैं आपको एक बात, आप समझ नहीं रहे मेरी, इन दोनों में मैं 40-40 भी डाल दूंगा ना तब भी जलती रहेगी, 40 तो डलवानी नहीं सर, 40 तो 35 भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है मिनिमम से ऊपर डलवा लूं, मिनिमम जैसे आपने देखा ना इसमें देखा रनिंग होती है, जैसे आपने 5 टायर ऊपर डाल दी कंटिन्यू बराबर है, उसके बाद लाइट नहीं जा रही तो उसमें लर्निंग होती है, लर्निंग करनी, अब इसमें जाती नहीं भाई, आप एक बार चेक करवा लो, वो लर्निंग करवा दो मैं तो परेशान हूँ, सब सेम सेम भी करवा दिया, करवा दो अगर बुरी लगती है जलती हुई सी। यहाँ पे वायर लगाई थी क्या भाई ने? हाँ वायर लगा के यहाँ पे कैमरा चेक कर रहा था वो भाई, कि यहाँ पे कैमरा लगा दिया अपना कि और हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यार बताओ महिंद्रा भी अगर ऐसे काम करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा, मतलब चलो ठीक है खराब हो जाता है लेकिन ठीक तो करो, अब मेरे को उसी शोरूम पे जाना पड़ेगा जिससे गाड़ी ली है, तो गलत बात है यार भाई, वो भी उनका भी क्या भरोसा, वो भी कुछ वारंटी कार्ड वगैरह कैमरे का थोड़ी दिया था, नहीं दिया भाई, तो एसएसडी का थोड़ी देते हैं, तो भाई तो बोल रहे कि वारंटी हो कैमरे की होगी, हाँ अरे अरे भाई सर कोई कार्ड वार्ड थोड़ी दिया था भाई, तो अरे बात कर लेंगे ना भाई चल के, टीपीएमएस का भी भाई बोल रहा है कि सब में इक्वल होनी चाहिए तब जाके हटती है, मतलब अगर 32 होगी 5 में 32 होनी चाहिए तभी लाइट हटती है, कोई मतलब हुआ, इस चीज को भी देख लेंगे बाहर चेक करके एक बार, फिर कोई दिक्कत लगेगी फिर इनके पास, मैं सब में सेम भी करवा दूंगा वो तब भी नहीं हटेगी, तो भाई महेंद्र वालों के पास आ जाएंगे फिर उन भाई करके, तो यार इसको लाइट हमें इरिटेट करती है बहुत ज्यादा, हाँ यार देखते हैं भाई कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं वो भाई गया क्या? हाँ गया भाई, वो नहीं कर रहा, नहीं हो रहा भाई, कह रहा वहीं पे करवा लो, चेंज होगा भाई, क्या बताएं बस ठीक है यार। अब आगे भाई टीपीएमएस रिपेयर होगी इधर, परमानेंट घूम देंगे यार, परमानेंट सॉल्यूशन भाई, अबे लाइट तो चली गई, तारों में करवा देता हूँ चेक ना, अच्छा अब स्टार्ट करना एक बार, हाँ हो गई ना, ऐसा नहीं है ना कि सब में सेम सेम ही रहनी चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सेम सेम, मतलब इसमें मिनिमम मैक्सिमम तो वो होता है, कभी इसके इससे नीचे जाएगी तो लाइट आएगी, इससे ऊपर जाएगी तो लाइट आएगी, मैं उस वाले भाई से बोल रहा था वो कह रहे थे सब में सेम रहनी चाहिए, मैं कह रहा भाई ऐसा नहीं होता, कितनी हवा डाल रहे चौथी, चलो यार अब तो हट गई तुरंत, वरना बाहर से हमने डलवाया था भाई हटती नहीं थी लाइट, मान लो किसी का वो प्रेशर खराब है ये चेक करने वाला, बिल्कुल भाई बिल्कुल, जब प्रॉपर वो नहीं भर पाता होगा, हो गई भाई ठीक हो गए बस, मतलब ठीक तो क्या वो टीपीएमएस वाला चीज़ ठीक हो गई, बाकी और कुछ तो करी नहीं क्योंकि टाइम भी हो गया है इसका, तो वो बोल रहे हैं कि भाई अभी नहीं हो पाएगा टाइम हो रहा है, और जो दूसरा इशू था अपना कैमरा वाला, वो बोल रहे हैं भाई जहाँ से आपने गाड़ी ली जहाँ से कैमरा लगवाया उसी पे करवा लेना, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि ये डीलरशिप खराब है वो खराब है, भाई देखो सारे बंदे एक जैसे नहीं होते, अब जैसे कैमरा वाला भाई ने चलो बोल दिया वो भी काम ही कर रहा है, उनकी भी पॉलिसी है कि भाई जहाँ से आपने लिया वहीं से करवा लेना, उधर चलो हम करवा लेंगे, लेकिन जो जैसे ये वाले बंदे थे जिन्होंने टायर वगैरह काम करा, मतलब कितने बढ़िया नेचर का, इतनी बढ़िया सर्विस लगी, यहीं आदमी खुश हो जाता है जहाँ पे आदमी ढंग से सर्विस देते, जैसे पहले भाई ऐसे सरकारियों की तरह डुला रहे थे, जैसे भाई यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, कोई वो ही नहीं था, कोई ड्रेस में ही नहीं था, कोई कुछ नहीं, किस पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे बात करनी, क्यों भाई, बिल्कुल राइट, और बाद में इतना अच्छा सर्विस मिली कि मन खुश हो गया कि भाई यार ये तो बढ़िया सर्विस देते हैं, मतलब जो टायर वाला बंदा हो गया या फिर कुछ भी ऐसा, तो सारा सही लगा, जो बंदों का ट्रीटमेंट रहता है, मतलब अच्छा बंदा था, कैमरा वाला भी बहुत बढ़िया बंदा था, उसने भी पूरा बता दिया भाई यहाँ पे कमी है यहाँ पे कमी है, वो बोल रहा है वायरिंग खींच रही है, तो भाई दिखाएंगे अब इसको जहाँ पे भी है, क्योंकि बिना कैमरे के तो थार भाई ऐसी आदत वाली चीज है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, जैसे अभी थोड़े टाइम से मैं कैमरे वाली गाड़ी यूज करने लग गया हूँ ना,
कैमरा एडिक्शन है भाई, ये तो बात पड़ जाती है भाई कैमरे की। फिर ना कैमरे की मैं देख के गाड़ी मोड़नी पड़ती है, मैं भी बहुत धीरे धीरे देख के मोड़ रहा था कुछ। थार में उससे कुछ दिखता ही नहीं, शीशा इतना छोटा सा कुछ दिखता नहीं पीछे ही नहीं, ये वाला तो बिल्कुल ही काम का नहीं है। और इनसे थोड़ा बहुत आईडिया लगाती है बट बिल्कुल पीछे। कैमरा तो बिल्कुल चाहिए यार, क्योंकि इसका बम्पर भी बहुत पीछे की तरफ निकला हुआ है, तो कब कब में क्या काम हो जाए उसका भरोसा रहता नहीं है। तो ये तो देखो भाई लाइट हट गई, और भाई पता नहीं हम बाहर से हटवा देते, जब तो हटती नहीं थी, बाहर से भरवा देते, अब हट गई। मतलब डॉक्टर के पास जाके सबकी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पे। देखना ओके ओके हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज है भाई ऑटोमेटिक के बारे में, जैसा जो की मेरे को कंप्लेंट रहती है, मतलब जो बंदा भगाने का शौकीन रहेगा ना, जैसे हमारा संदीप भाई, तो जैसे एक बात बोलिए भी कि यार मजा नहीं यार थार चलाने में, गाड़ी में बिल्कुल मजा नहीं। मैं वैसे में गाइस गाइस क्या भाई, भाई क्या करना, गाइस गाइस करता रहता है गाइस, तो शहरी जा। ओके भाई भाई लोग देखो, जैसे भाई मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरे को थोड़ा भगाने का मन, अब रेस दी ना, ये देखो गियर पूरा जोर मांगती है और गियर डाउन मार जाती है तुरंत ही है ना, फिर एकदम घूम करके जाएगी, मजा वाली बात नहीं है यार। पर हाँ भाई, बहुत लोग कहेंगे मैट पीपीएफ जब करवाई थी तब हो गया होगा, भाई उस टाइम चल रहा था, उसके बाद जब घर लेके आया उसके बाद से पता नहीं एकदम से खराब हो गया। और यहाँ पे i20 और स्विफ्ट की वारदात हो गई भाई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये देखो। थोड़ा सा संभाल के चला करो फरीदाबाद में ना, बिल्कुल ऐसे ड्राइव मैडम कर रही थी ना, मैडम थोड़ी होपलेस हो जाती है, वो यार अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाती भाई। तो इस बात को ज्यादा सीरियस मत लेना ये भाई, ये थोड़ा मजाक के बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम में तो सब अपना बढ़िया चला लेते हैं, सब ड्राइवर्स है। और यहाँ पे थार इतनी फ्लैट गाड़ी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी फ्लैट है। यहाँ पे आप कैसे भी अपना सामान रख सकते हो, पूरा कम्प्लीट फ्लैट डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ पे आपको पूरा फ्लैट सिस्टम मिलता है, बट यहाँ पे विंडो वगैरह गलती हुई यार, कंट्रोल गलत है ना। अभी भाई घर पे आ गया मैं, यहाँ पे देखो वहां से सर्विस सेंटर वगैरह से सब कुछ ठीक करवा के, और अभी यहाँ पे देखना, अभी मैं बैक गियर लगाऊंगा, ये देखना, ए अब देखना, ये देखो अब इसका कैमरा चल गया, पता नहीं क्या भूत से चढ़ रहे हैं इसमें, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, मतलब अब तो चलने लग गया। मैंने एक पीछे और देखा था एक जगह, मैंने सोचा घर पे जाके अपडेट दूंगा, क्या पता फिर से बंद हो जाए, अब फिर लगा रहा हूँ ना, फिर चल गया यार इसके भी। ये कोई महिंद्रा वेंद्रा नहीं बना रहा, बाहर से ले लेके इसके नाम पे महंगा महंगा चेप देते हैं और कुछ। अब इस किया में भी लगवाया था भाई बाहर से, आज तक भी बढ़िया चल रहा है बहुत मस्त। अभी सोचा कि भाई महिंद्रा से लगवा लेते हैं, क्योंकि कंपलसरी कर दी थी एसेसरी, तो मैंने कहा चलो आप भी लगा दो, थोड़े दिन हो गए अब इसको, 4-5 दिन। जब इसमें देखना इसकी कलाकारी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर डालूंगा रिवर्स गियर और यहाँ पे अब देखना क्या आएगा, रिवर्स लग चुका है, ये देखो फिर वही बीमारी इसकी चालू हो गई है। तो ये तो गुड़गांव लेके जानी पड़ेगी, और फिर देखो ये वाली लाइट। तो मेरे को ना मतलब इनका सर्विस में बहुत ऐसे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है भाई, ड्रेस व्रेस ढंग से पहना करो, कस्टमर आया है तो उसको ढंग से देख लिया करो क्या बंदे को चाहिए। एक इस डीलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे महिंद्रा को मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरे साथ इस पर्टिकुलर डीलरशिप पे ऐसा एक्सपीरियंस था, बाकी सबका अलग अलग रहता है। कोई नहीं भाई, अब इसको गुड़गांव लेके जाएंगे, करवाना तो है ही, ये महंगा सा कैमरा लगाया था, और वो भी नहीं करेंगे तो फिर बाहर से लगवा लेंगे और क्या करें भाई, मतलब मन भी नहीं करता, ये ड्राइविंग हैबिट का एक पार्ट हो चुका है, वो वाली बात है। चलो यहाँ वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।